देवास जिले के खातेगांव थाने के सामने किसानों की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसान यूनियन द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के वचन पत्र की अर्थी निकाली गई। किसानों ने बताया कि मांग पूरी नहीं की गई तो भूख हड़ताल और चक्का जाम किया जाएगा, जिसमें किसानों की मांग बीमा भावांतर के रूपये और कांग्रेस सरकार द्वारा 2 लाख कर्ज माफी की घोषणा की गई थी, क्षेत्र में पानी की समस्या, बिजली के अधिक बिल, सभी मांग के लिए क्षेत्र के समस्त किसान उस आंदोलन में शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन का यह भी कहना है कि आज देश आज़ाद हुए 73 वर्ष हो गए, पर आज तक किसान पार्टियों के पीछे भटकते रहे, जिसके कारण प्रशासन एवं प्रशासन के किसानों को झूठा झांसा देने में काम किया है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ग्राम पंचायतों के हाल बेहद